हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू? होप यू ऑल आर वेल। डियर स्टूडेंट्स, बी सेफ, टेक केयर एंड स्टे एट योर होम एंड डू योर वर्क। ओके, लेट्स स्टार्ट द एक्सरसाइज ऑफ चैप्टर नंबर 3। इन दैट सॉल्व द क्वेश्चंस फॉर द 1 मार्क्स सेक्शन बी। ओके, फर्स्ट क्वेश्चन, वी हैव टू गिवन 1 फिगर एंड मेजरमेंट ऑफ ऑल दी साइड इज 3 सेंटीमीटर एंड वी हैव टू फाइंड द पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर। स्क्वायर का पेरीमीटर फाइंड करना है। तो डियर स्टूडेंट, इसके लिए आपको फॉर्मूला आना कंपलसरी है। ओके, तो अभी भी आपने अगर फॉर्मूला याद अच्छे से नहीं किए तो ठीक से कर लेना, इट विल बी वेरी यूजफुल फॉर यू फॉर सॉल्व दीज टाइप्स ऑफ सम्स। सो पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर इक्वल्स टू 4 मल्टीप्लाई साइड। सो 4 मल्टीप्लाई साइड, दैट मीन्स एनी वन साइड, बिकॉज ऑल दी साइड्स ऑफ स्क्वायर इज सेम। सो मल्टीप्लाई 3, सो 4 3 12 सेंटीमीटर। ओके, सब साइड सेंटीमीटर में, तो सेंटीमीटर लगाना कंपलसरी है, वरना आपका हाफ मार्क्स कट हो जाएगा। ओके, तो हमें आंसर मिला 12 सेंटीमीटर। सेकंड क्वेश्चन, ओके, ये ऑपोजिट साइड्स आर सेम, सो दिस शेप्स इज रेक्टेंगल। ओके, ऑपोजिट साइड सेम है, सो ये शेप है वो रेक्टेंगल है। फाइंड इट्स पेरीमीटर। ओके, हमें इसका पेरीमीटर फाइंड करना है। तो पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल इक्वल्स टू, इसका फॉर्मूला क्या है, 2 ब्रैकेट में L प्लस W, दैट मीन्स लेंथ प्लस विड्थ। तो 2 ब्रैकेट में L, दैट मीन्स लेंथ 4 प्लस 3। ओके, पहले हमें ब्रैकेट का ही कैलकुलेशन करना है, फिर ही हम उसका बार 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। 4 प्लस 3 7, 7 2 14, 14 सेंटीमीटर। तो ये शेप का पेरीमीटर बन गया 14 सेंटीमीटर। ओके, थर्ड वन, राइट द फॉर्मूला टू फाइंड द एरिया ऑफ स्क्वायर। ओके, स्क्वायर का एरिया फाइंड करने के लिए का हमें सिर्फ फॉर्मूला लिखना है, तो वो क्या होगा, साइड मल्टीप्लाई साइड। ओके, एंड स्क्वायर में जो भी आंसर है उसमें हम स्क्वायर लगाएंगे। फॉर एग्जांपल 12 सेंटीमीटर आया तो 12 स्क्वायर सेंटीमीटर। ओके, उस तरह से। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, राइट द फॉर्मूला ऑफ पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर। पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होगा, 4 मल्टीप्लाई साइड। ओके, चलो एरिया ऑफ रेक्टेंगल। ओके, तो ये हम आंसर में लिखेंगे, एरिया ऑफ रेक्टेंगल इक्वल्स टू क्या होगा, एरिया ऑफ रेक्टेंगल लेंथ मल्टीप्लाई विथ। ओके, देन आफ्टर 6th क्वेश्चन, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल। ओके, तो पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल क्या हो जाएगा, ये मैंने यहीं साथ में लिख दिया है, आपको अलग से आंसर करके लिखना है, 2 ब्रैकेट में विड्थ प्लस लेंथ। ओके, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल अभी जो हमने सोल्व किया वो, देन आफ्टर पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल।
तो पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल क्या हो जाएगा, सम ऑफ थ्री साइड, ये इसका आंसर है। ओके, सम ऑफ थ्री साइड्स। एरिया ऑफ ट्राइंगल, ओके एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 1/2 मल्टीप्लाई बेस मल्टीप्लाई हाइट, HEIGHT। ओके, ये मैंने थोड़ा अलग से आंसर लिखा, एरिया ऑफ ट्राइंगल हो जाएगा 1/2 मल्टीप्लाई बेस मल्टीप्लाई हाइट। ओके, तो डियर स्टूडेंट, इस तरह से हमने अभी 1 मार्क्स के जो क्वेश्चन से वो हमने सॉल्व किए। ओके, बाकी के जो 2 मार्क्स के ये जो क्वेश्चन है, सॉल्व द फॉलोइंग प्रॉब्लम, ओके वो हम नेक्स्ट सेशन में देखेंगे। ओके, थैंक यू।